हेलो व्यूवर्स, क्या आप जानते हैं कि आप अपने ऐड को ऐड गार्ड DNS यूज़ कर करके रोक सकते हैं। ये जो है फैसिलिटी है, ये आपके लिए प्राइवेट DNS सर्वर को इंस्टॉल कर देता है और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, ऐड को ब्लॉक करता है और ट्रैक होने से रोकता है आपके इंफॉर्मेशन को। कोई ट्रैक नहीं कर सकता और ये अलाउ करता है आपको कंट्रोल एसेस को, जो स्पेसिफिक इंटरनेट के कंटेंट के एसेस को कंट्रोल करता है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप अपने इंटरनेट कंट्रोल को एक्सेस को लेकर के अपने बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं चाहते शो करना वो नहीं देख सकते हैं वो। तो इसको ऐड करके आप ऐड से भी बच सकते हैं और ये फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, पेरेंटल कंट्रोल होता है इसमें, ब्लॉक ऐड करता है। और DNS आप लोग सभी जानते होंगे कि इंटरनेट पे एड्रेस बुक DNS होती है। ऐड गार्ड DNS जो होता है वो प्राइवेट आपको डोमेन नेम सिस्टम देता है, जिससे आप प्राइवेटली अपनी किसी इंफॉर्मेशन को भी ब्राउज कर सकते हैं और आपको कोई भी मालवेयर से बचाता है। कोई भी ऐसी साइट जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देना चाहती है तो उसको नो रिप्लाई देता है और उसकी बैड इंफॉर्मेशन वापस कर देता है। ये तीन तरह से काम करता है। डिफ़ॉल्ट मोड में ये ब्लॉक करता है, ट्रैक करता है मालवेयर को, फैमिली प्रोटेक्शन देता है और सेफ सर्च करता है नॉन फिल्टरिंग मेथड के द्वारा। प्रोवाइड अ सिक्योर एंड रिलायबल कनेक्शन, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये आपके मोबाइल वर्जन 9.0 पर ही काम करता है। एड गार्ड DNS प्राइवेसी ओरिएंटेड होता है, आपकी प्राइवेसी को बनाए रहता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो DNS क्रिप्टो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला DOH जो DNS ओवर HTTPS होता है, आप जानते हैं HTTPS जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और DNS ओवर TLS होता है जो डॉट पे काम करता है, और DNS ओवर क्विक होता है। तो इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव, वो प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं आपको, तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके ये ब्राउजिंग की कैपेसिटी को स्लो कर देता है। अब इसके बहुत से फ़ायदे हैं, ये सारे ही ब्राउज़र्स में काम करता है और DNS क्रिप्ट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। ये कॉन्फ़िगर कर आप इसको कर सकते हैं ऐड गार्ड को। ब्राउज़र में ऐड गार्ड DNS ढूंढिएगा तो आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा, आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसको आप सेव कर लीजिएगा तो आप ब्राउजिंग प्राइवेटली कर पाइएगा। क्योंकि ये एंड्रॉयड 9.0 वर्ज़न के ऊपर में काम करता है, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकली इसको करके नहीं दिखा सकते। और ये सारे आपके प्रोटोकॉल हैं, इनके बारे में डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें जा कर के पढ़ सकते हैं। DOH, DOT, DOQ, DNSS, EC, और इसमें देखिए सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है। आप जाइएगा तो इसमें से आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। वॉट इज़ अ एड गार्ड DNS फ्री? अगर ये फ्री है तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं और पेड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में आपको कुछ ही फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन पेड वर्जन में आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। AD गार्ड DNS कौन से डिवाइस यूज़ करते हैं? तो इसने अभी हमने आपको बताया कि जिसका 9 वर्जन से ऊपर होगा वही डिवाइस यूज़ कर पाएंगे एंड्रॉयड में। ये एंड्रॉयड के लिए बना हुआ है। ये कौन सा पोर्ट यूज़ करता है? ये 53 पोर्ट यूज़ करता है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप 5353 यूज़ कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस साइट पे जाके FAQ में आप उनसे कांटेक्ट करके उसके बारे में जान सकते हैं। वैसे हमने आपको कल साइट सेटिंग में बताया था कि आप एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं और परमिशन आप अगर डाल दीजिएगा सेटिंग में जाकर तो आपका पॉपअप रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपके पास नहीं आएगा। आप पॉपअप और ऐड को रोक सकते हैं। उसके अलावा आप कुकीज़ को भी हटा सकते हैं, जो हमने कल आपको साइट में बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस साइट पर जा उस वीडियो पर जाकर आप
साइट सेटिंग को देखिए और समझिए कि कैसे एड्स और कुकीज़ को आप हटा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, दिस इज़ वेरी गुड एडी गार्ड डीएनएस फैसिलिटी विच यू कैन यूज़ फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग ब्राउजिंग और प्राइवेट ब्राउजिंग आप जब करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थ्री वर्जन दिया हुआ है, एक है डिफ़ॉल्ट, फिर है फैमिली कंट्रोल और तीसरा आपका जो दिया हुआ है उसमें आप अपने सेटिंग कर सकते हैं प्राइवेट उसकी। तो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रतन अग्रवाल आईटी इंफॉर्मर, फॉलो माय ऑल सोशल मीडिया लिंक, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल टेक रतन, गो टू कम्युनिटी एंड सपोर्ट मी, देयर यू हैव टू आंसर ऑन पोल एंड आस्क द क्वेश्चन इन माय वीडियोस। थैंक यू।